जैसे कि चाइना में इन दिनों कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उससे आपके ट्रेड पर कुछ असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई चेन है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। जितने भी मिड एंड या हाई एंड कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर चाइना से शिपमेंट्स अगर चालू नहीं होती हैं मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में, तो जो अच्छे कंपोनेंट्स की शॉर्टेज अगर हो जाती है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी हैम्पर होगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाएगी। और इतनी जल्दी एक सप्लाई चेन को बदलना और नए सप्लायर्स को ढूंढना वो भी एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो मेरे हिसाब से चाइना में जितनी जल्दी से जल्दी सारा का सारा चीज़ें नॉर्मल हों वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। सर जैसे कि चाइना इन दिनों कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है, तो उससे हमारी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है? मैम चाइना का असर हमारे लिए बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे 35 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था जो चाइना से थी। इस साल वो 35 कंपनियाँ नहीं आ पाई, एग्जीबिशन को उसका थोड़ा लॉस भी झेलना पड़ा, लेकिन एग्जीबिशन की रंगत में या एग्जीबिशन की लुक में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसको हमने सारी चीज़ों को प्लान कर लिया और दूसरी कंपनीज को आगे ले आए। इस साल छोटी जो साइकिल इंडस्ट्री है, जो नए ब्रांड्स बने हैं साइकिल में, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट करा इस एग्जीबिशन को। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उन्हीं लोगों की है। ओके तो सर जैसे कि कोरोना वायरस से इंडियन इंडस्ट्री को कुछ फ़ायदा हुआ है, लाइक एक नया प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि बूस्ट करें वो इंटरनेशनल लेवल पर? बिल्कुल मैम, क्योंकि पहले चाइना डोमिनेट कर रहा था पूरी वर्ल्ड के ऊपर, तो अभी इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया मार्केट अपने प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करे। क्योंकि चाइना की जो हालत अभी सुनने को मिल रही है, अभी 2-3 महीने चाइना और नहीं उठेगा, तो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को पूरी वर्ल्ड की मार्केट में भेजे। सर जैसे कि इन दिनों चाइना कोरोना वायरस एग्रेसिव है, तो उसका आपके ट्रेड पर कुछ असर पड़ा है? हमें इस कुछ असर भी आया और हमारे लिए बेनिफिट भी है। जैसे 100% इंडस्ट्री पहले डिपेंडेंट होती थी वर्ल्ड चाइना पे कि हमने चाइना से प्रोडक्ट लेना है, अब उनको भी अवेयरनेस होगी कि 100% चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना और हमने इंडिया को भी साथ साथ पैरेलल लेके चलना है, ताकि अगर इंडिया या चाइना में किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनका काम ना रुके। थैंक यू सो मच। सर जैसे कि इन दिनों चाइना कोरोना वायरस से ग्रस्त है, तो इसका हमारे कारोबार पे कोई असर पड़ा है? देर आर ऑलवेज टू साइड ऑफ ए कॉइन। फर्स्ट यस, हमको असर पड़ा है बिकॉज हाई एंड प्रोडक्ट वी आर बाइंग फ्रॉम चाइना ड्यू टू कोरोना वायरस। अनफॉर्चुनेटली मेरे जो एग्जीबिटर थे चाइना ग्रुप के, वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आई शुड नॉट यूज वर्ड्स, लेकिन फॉर बाइसाइकिल इंडस्ट्री दिस इज गोइंग टू बी ए ब्लेस इन डिसगाइज। इट इज़ ए चांस कि लेट्स कम अप। मेरा बायर मांग रहा है सामान, मेरी फील्ड खुल गया है, वर्ल्ड मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं चाइना के आई एम विद द सिटीजन्स ऑफ चाइना, मेरे भाई हैं वो। इट्स वेरी सैड ड्यू टू द कोरोना, बट शो नेवर एंड्स एंड नो शावर नेवर स्टॉप्स। तो लेट्स हैव ए करेज। मैं साइकिल वालों को सबको बोलूँगा, जितने अच्छे प्रोडक्ट आपने लगाए हैं, वी आर नो वेयर सेकेंड टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे कि इन दिनों चाइना कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो उसका आपके ट्रेड पे कुछ फर्क पड़ा है? डेफिनेटली कोरोना वायरस की वजह से आई वॉज जस्ट रिलेटिंग टू अर्लियर दैट चाइना हैज़ अ टैग ऑफ चीपेस्ट थिंग्स, सो एवरीबडी गोज देयर, बट नाउ पीपल आर कमिंग टू अस एंड दे आर फाइंडिंग अस दैट वी आर एट पार विद चाइना, राइट? द प्रोडक्ट्स वी आर मेकिंग दे एंड इफ यू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, वी आर एट पार इन कॉम्पिटिशन विद चाइना। मतलब सर जो इंडियन जो ट्रेड है उसको बूस्ट मिला है कोरोना वायरस से? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सर जैसे कि चाइना में इन दिनों कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उससे आपके ट्रेड पर कुछ असर पड़ा है? आई एम 110% श्योर पड़ेगा, बिकॉज वी इंपोर्ट लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल गियर्स शिफ्टर्स हम चाइना से इम्पोर्ट भी करते हैं, तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। आई थिंक बाय मार्च और अप्रैल देयर विल बी सम शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, सो गवर्नमेंट maybe this is an opportunity wherein you know government can approach some big gear manufacturers like Shimano for a joint venture in India. So, Hindustan mein bicycles ki bahut heavy consumption hai,
अगर कोई एंसिलरी इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो जाए तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। चाइना इज नाउअडेज इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, सो इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन योर कंपनी? या इट इज a blessing in disguise, I would say. It's a good opportunity for Indian industry to graduate, to make its mark felt in the international level, because the entire international market is looking for an alternative since China is handicapped as of now. So it's an opportunity for the Indian industry to grow and to rise up to the occasion, you know. Thank you so much. Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.